खीर भवानी मेला चल रहा है यहाँ पे। अभी जो यहाँ का वक्फ बोर्ड है उसकी चेयरमैन यहाँ पे पहुँची है, माता खीर भवानी दरक्षा अंदा, भी उससे अपडेट लेंगे कि इस बार जो यात्रियों का तादाद भी कम है, कैसा माहौल चल रहा है कि दो सालों के बाद यात्री यहाँ पे मेला खीर भवानी मनाया जा रहा है, लेकिन 1990 के बाद आज इस टाइप का माहौल है कि यात्री इस तादाद में है, क्या है उसके तासुरात, उससे जानना चाहेंगे जी। देखिए, हम पहले अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ का रेंज हमारे हर घर में है, आपके ज़रिए से हम देना चाहते हैं। और यहाँ पे हम आए, हमें बहुत खुशी है यहाँ पे, वो वाकई में दो सालों के बाद, कोरोना के बाद यहाँ पे आज बड़ा दिन मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से भी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, ताकि मैं देखूँ यहाँ कैसे इंतज़ाम भी है। और हमारे पंडित भाई यहाँ पे आए हुए हैं, उनका खुशामदीद करें। अभी जो कि आपने कहा कि अभी कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, धीरे धीरे शाम होने तक तो सारे लोग पहुँच जाएंगे। उनका अपना घर है, देखिए कश्मीर पंडित भाइयों का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, यहाँ पे दोनों का हक बराबर है। हाँ, अलबत्ता कुछ अंसुर हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन वो हर जगह होता है, उनको अपने यहाँ के माहौल से नहीं डरना चाहिए। उनका अपना घर है, उनके बगैर कश्मीर नामुकम्मल है, और उनको हम खैर मकदम करेंगे हर बारी, आज भी और कल भी। अशोक कोल ने कहा था कि दोपहर के बाद इत्तेदाद बढ़ेगा, लेकिन अगर सदियों से कहा जाए, खीर भवानी मेले में दो दिन पहले 40-50 हज़ार यहाँ के लोकल घरों में बैठते थे, लेकिन दो दिन से हम ये देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि काफ़ी कम तादाद है, तो इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और आप बीजेपी की पॉलिसी क्या है या कश्मीर के लोगों की क्या अपील? अभी मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी यही कहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि सारे लोग आएँ यहाँ, अपने जो उनकी रवादारी है, जो उनके मजहबी रसूमात हैं वो पूरे करें, और यहाँ पे उनकी इबादत जो होती है वो करें। सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सरकार तो चाहती है और लोग भी चाहते हैं, ये नहीं है कि अब गर्मी का वो ही रहता है ना, कि दोपहर अभी ढली नहीं, शाम हुई नहीं, तो इंशाल्लाह लोग आएंगे और यहाँ पे वो अपना जो उनकी मजहबी रवादारी है उसको पूरा करेंगे।